नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, सबसे बड़ा काम मीडिया का क्या है? मीडिया का काम यह है कि हम वो जगह बताते हैं जहां पर गलत चीजें हो रही हैं। उसके बाद आती है जिम्मेदारी प्रशासन की। प्रशासन की जिम्मेदारी यह होती है कि भैया वहां पर जाकर के कार्रवाई करे और कार्रवाई करके उस गड़बड़ी को ठीक करे। अब जैसे आज हम ब्लैक कॉरिडोर बताने वाले हैं कि ब्लैक कॉरिडोर कहां है। ब्लैक कॉरिडोर का मतलब, ब्लैक कॉरिडोर का मतलब यह होने वाला है कि भैया कोयला, जो झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी है, उस कोयले का जो खेल है, उस खेल का हम पर्दाफाश करेंगे, संताल का। और इस पर्दाफाश के बाद क्या प्रशासन में हिम्मत है कि वो जाकर के वहां पर कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन इस मामले की जांच करेगी? आज इसी पर बात होगी और यह बात होगी डंके के चोट पर। हिम्मत बड़ी चीज है। हिम्मत है तो सब कुछ है। और आज हिम्मत की परीक्षा होगी। कैसे होगी परीक्षा? तो परीक्षा ऐसे होगी कि हम मीडिया का धर्म निभाएंगे, हम खबर दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। पर क्या कानून अपना धर्म निभाएगा? हम बाकायदा एड्रेस बताएंगे, नाम बताएंगे, आपको पूरे कॉरिडोर और सिंडिकेट का हम पर्दाफाश कर देंगे। क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? ओपन चैलेंज है, एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यह ओपन चैलेंज दे रहा हूं डंके की चोट पर। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए आप। जामताड़ा में कोयले का ब्लैक कॉरिडोर, दुमका में नाला और कुंडहित में दो जगहों पर कोयले का खेल। आज खेल भी बताएंगे और खिलाड़ी भी बताएंगे। क्या प्रशासन में हिम्मत है कार्रवाई करने की? कोयले का ब्लैक कॉरिडोर नंबर 1, कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के विक्रमपुर गांव में कोल डिपो चालू किया गया है। नाला प्रखंड के कांस्ता पंचायत के कांस्ता, सुल्तानपुर, चिचुरबिल और जोरकुडी के बंद पड़े ईसीएल और कुआं नुमा गड्ढे से अवैध तरीके से कोयला निकलता है। यहां से अवैध तरीके से कोयला निकालकर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रॉली से विक्रमपुर में बनाए गए डिपो में पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सागरभंगा में चालू ईसीएल माइन से भी कोयला चोरी कर विक्रमपुर डिपो में जमा किया जा रहा है। रात के अंधेरे में कोयला ट्रकों से कुंडहित प्रखंड के अंबा गांव पहुंचता है। यहां से कोयला नाला प्रखंड के भोलजूड होते हुए आसनसोल, नाला, कुंडहित, निश्चिंतपुर मुख्य मार्ग MDR 193 पहुंचता है। यहां से कोयला दुमका हंसडीहा मुख्य मार्ग होते हुए बिहार राज्य को भेजा जाता है। कोयले का ब्लैक कॉरिडोर नंबर 2, नाला विधानसभा के बिंदा पत्थर थाना अंतर्गत सोरेनपाड़ा मंडल होटल के समीप डिपो चालू किया गया है। यहाँ पर चित्रा कोलियरी से चोरी का कोयला मोटरसाइकिल और डंपर से खाली कर डिपो तक पहुंचाया जाता है, जहाँ रात के अंधेरों में ट्रक में अवैध कोयला लादकर धनबाद, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज मुख्य मार्ग पहुंचता है। यहाँ से दुमका हंसडीहा होते हुए ये कोयला बिहार में खपाया जाता है। इस पूरे अवैध कारोबार में कई नामचीन लोगों का नाम सामने आया, खास तौर पर ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहकर एक आदमी को सामने रखकर इस पूरे अवैध कारोबार को चलाता है। बताया जाता है कि इसमें एक कुंथा यादव का सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सिंडिकेट में पिंटू जैन, शशि सिंह, मंटू शर्मा और पश्चिम बंगाल के कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ अनूप लाला का राइट हैंड अमर मंडल भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि पहले कुंथा यादव और अमर मंडल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, परंतु पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच कुछ समझौता होने के बाद वर्तमान में ये दोनों गुट एक साथ काम कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुंथा यादव ने अमर मंडल को इस सिंडिकेट का हिस्सा बनाया है। उसके पीछे का उद्देश्य दुमका जिला को बिना किसी रोक टोक के पासिंग करवाने का है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दुमका पासिंग में ही हरिनारायण चौधरी उर्फ मास्टर जी की अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो अब देखिए, हमने एड्रेस बता दिया, हमने नाम बता दिया, ओपन चैलेंज यहाँ बैठ करके प्रशासन को दे रहा हूँ, डंके की चोट पर दे रहा हूँ कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्या किसी में वो दम है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आज पूरे दिन रांची में केंद्रीय मंत्रालय के अपर सचिव, यानी केंद्रीय कोल मंत्रालय के अपर सचिव जो हैं वो मौजूद थे। पूरे दिन मंथन चल रहा था कोयले को लेकर के। मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं, मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, वो सब एक लेंस में जब चीजों को देखेंगे तो शायद उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे साथ तौसीफ साहब, डॉक्टर तौसीफ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोहन कर्माकर साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से सरोज सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मैं तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। अब आप तीनों मेहमान झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के लोग हैं, इस चीज को समझिए, इसे समझना बेहद जरूरी है। आए दिन डीवीसी हमें कहता है कि भैया बिजली काट देंगे। मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने डीवीसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यह स्थिति है कि वहां पर कामकाज बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, उद्योग बंद हो जाएगा। यह स्थिति है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आज एक के बाद एक लगातार बैठकें चल रही थी कोल ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर के। तीसरी चीज, कभी कहते हैं कि पावर प्लांट ठप हो जाएगा कोयले के कारण, कोयला इतने ही दिन का बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, चलिए। और चौथी चीज जो मैं दिखा रहा हूं आपको, कोयले का काला खेल, बाकायदा रास्ता बता रहा हूं कि किधर से किधर कोयला कहां से कहां जाता है और बिहार में कैसे खपा दिया जाता है। बिक्रमपुर में कोयले का डिपो बनाया गया है, दुमका नाला जामताड़ा होते हुए ये कोयला बिहार की तरफ चला जाता है, पश्चिम बंगाल होते हुए। हमें क्या मिल रहा है? कुंथा यादव ये नाम भी मैं बता रहा हूं, अमर मंडल ये नाम भी मैं बता रहा हूं कि ये लोग वहां के शख्स हैं जो लोग कोयले के इस खेल में शामिल हैं। 10 चक्का 12 चक्का 14 चक्का ट्रकों से लगातार कोयले को ढो दिया जा रहा है। मेरा सवाल इतना सा है कि मैं यहां बैठ करके ओपन चैलेंज दे रहा हूं, क्या प्रशासन में हिम्मत है कि कार्रवाई होगी? क्योंकि प्रशासन के बिना मिली भगत के तो मैं कहता हूं कि कोयले का एक ढेला भी गायब नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर तौसीफ के पास आ रहा हूं। डॉक्टर तौसीफ, नहीं देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, जो आपने अपने रिसर्च करके ये चीजों को निकाला है, तो ये गंभीर विषय है। और अगर इस तरह की बात है तो इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि ये कोई दो रोज से ये काम शुरू नहीं हुआ। एकदम ये एक नेक्सस है और इस नेक्सस का पता करना जरूरी है कि इसके पीछे वो कौन लोग हैं और कब से ये काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार बनी है और ये काम इस तरह से शुरू हुआ है, ये बिल्कुल ही नाजायज होगा, गलत होगा ये कहना। पहले की जो सरकारें रही हैं वो सरकारों ने इन लोगों को पाला है, पोसा है, बढ़ाया है और इन लोगों को इतनी हिम्मत दी है कि ये काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार में इस तरह की चीजें पकड़ी, मतलब आपके माध्यम से आई है, तो सरकार है और सरकार के सामने ये सारी चीजें आई हैं, संज्ञान में है। इस पे जांच होनी चाहिए और इस पे जांच के बाद जो कार्रवाई उचित हो सकती है उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन कर्मकार साहब, केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, मोहन कर्मकार साहब, देखिए नाम, एड्रेस, पता, हर चीज बता दे रहा हूं कि कोयला इस रास्ते से इस रास्ते में जा रहा है। तस्वीरें मैं दुमका की दिखा रहा हूं बाकायदा। देखिए कुंथा यादव, अमर मंडल नाम के कोयला तस्कर हैं, इन्हीं के छत्र छाया में कोयले का ये खेल फल फूल रहा है। विक्रमपुर के नाम से गांव है जहां पर कोयले का डिपो बनाया गया है।
कहां से कोयला उठ रहा है, किधर से भाग रहा है, चलिए वो तो ठीक है, चलिए हम समझ रहे हैं, सब कुछ है। सवाल ये है कि इतना कुछ मैं दिखा रहा हूं, क्या इसके बावजूद कार्रवाई की उम्मीद करें हम? क्या हम उम्मीद करें कि हाँ भाई सरकार इन सब चीजों को लेकर के सख्त है, ये तुरंत बंद हो जाएगा? देखिए ये सारी चीज आज आपके माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी भी, सरकार भी, और सभी लोग इस चीज को अब जान रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये जो घटना घट रही है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, और मेरा अपना मानना है कि इसमें बहुत सारे लोगों का मिली भगत भी है, बहुत सारे रैकेट इसमें शामिल भी है, जिसके कारण आज कोयला का चोरी इस ढंग से हो रहा है। निश्चित तौर पर आज सरकार हमारी है तो इस पर यह संज्ञान में लिया जा रहा है। जो भी इस घटना से लिप्त है, जिन लोगों का नाम आपके माध्यम से आ रही है, निश्चित तौर पर हमको लगता है कि इस पर जांच होगी और जो भी लोग शामिल होंगे उस पर कार्रवाई भी होगा। ये पहला एक चीज है। दूसरी बात, कोयला खदान में या वहां से लेकर कोयला का चोरी जिस ढंग से हो रहा है, ये कोई अभी का ये नया बात नहीं है, ये बहुत पुराना परंपरा एक प्रकार से ये चलते हुए आ रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो पिछली सरकार की गलतियां थी, या मान लीजिए इसमें हम सेंट्रल पदाधिकारी को भी बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम बोलेंगे, क्योंकि ये स्टेट के अधीन में हमको लगता है बहुत सारा चीज इनका नहीं आता है, सब सेंट्रल के अधीन आता है। तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल को जो स्टेप लेना चाहिए था, हमको लगा कि इसमें वो नहीं ले पा रही है। ये तो आज जो भी हो, चाहे कोयला का चोरी करते हुए जिन लोगों का नाम आपके माध्यम से आज खुल करके सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी इस बात को अपने पार्टी स्तर पर भी हम लोग रहेंगे और सीएम के संज्ञान में भी देंगे, और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उसके संज्ञान में हम लोग के द्वारा भी ये जाएगी, और हम लोग ये चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई हो करके कोयला चोरी रुके। दूसरी बात, और आपके माध्यम से ही जानकारी मिली और आज मीडिया में भी दिया हुआ है, जिस तरह से डीबीसी अपना बकाया पैसा का लिए बिजली में कटौती करने की बात की है, एनटीपीसी का भी सवाल आया है, वो भी अपना बकाया ये को लेकर के बिजली कटौती के जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं हमको लगता है झारखंड जैसा एक गरीब प्रदेश के साथ हमको लगता है कि यह अन्याय होगा, क्योंकि हमारा यहाँ का ये खनिज संपदा, हमारे यहाँ का कोयला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सारा इसका उपयोग कर रही है, और जो यहाँ का रेवेन्यू जो मिलने का है वो आपका जो भी परसेंटेज 25% हो 30% हो जो राज्य को मिलने का है, आज भी हमारा बकाया वो पैसा है जो केंद्र हमको नहीं दिया है। आज अगर हमको केंद्र वो दे देता तो आज ये स्थिति नहीं होता, आज एनटीपी को भी हम वो सारा उसका बकाया दे देते, और हमको लगता है डीबीसी को भी हम उसका बकाया भुगतान कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरफ से केंद्र हमारा जो अधिकार है उसको रोक रहा है, और दूसरे तरफ उन्हीं के डायरेक्शन से एक प्रकार से हमको हमारा बिजली कटौती करने की बात होती है, तो कभी आप देखिएगा कि राज्य सरकार के अकाउंट से ही पैसा काट लिया जाता है। तो ये लगता है कि केंद्र और स्टेट का आपस में जो तालमेल होना चाहिए और केंद्र का सहयोग जिस तरह से सरकार को मिलना चाहिए, सही बात है, वो हमको लगता है कि उस तरह का सहयोग हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। एक बार मैं देवघर का रुख कर रहा हूँ, काफी मैंने ये से मोहन जी एक बार मैं देवघर का रुख कर रहा हूँ। देखिये खुशकिस्मती से आज खुशकिस्मती कुछ ऐसी बनी कि जिस क्षेत्र की मैं खबर उठा रहा हूँ उसी क्षेत्र में बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मौजूद है। सरोज जी देवघर से रांची आना होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जामताड़ा होते हुए एक बार आइएगा, जामताड़ा में जो सटा हुआ बॉर्डर है उसको एक बार देखिएगा, कोयला लदा 10-15, 100, 150, 200 ट्रक आपको हमेशा दिख जाएगा वहां पर। सरोज जी देखिए अभिषेक भाई, मैं देख रहा हूं कि लगातार न्यूज 11 हर जगह घपले घोटाले, धान खरीद में घोटाले, तो सीओ के जमीन गड़बड़ी में घोटाले, बालू के घोटाले, पुल गिरने के घोटाले रोज दिखा रहा है, और रोज जो है कांग्रेस के मित्र, जेएमएम के मित्र आते हैं और कहते हैं जांच होगी, और सबसे पहले चल जाते हैं पिछली सरकार पे। अरे भैया आपके विधायक, आपके मंत्री, विधायक यहाँ संथाल परगना के हाउस में बोलते हैं कि भाई रात में पहाड़ देखते हैं, सुबह पहाड़ खाली हो जाता है, जमीन हो जाता है, किसने कहा था?
ये तो जेएमएम के विधायक ने कहा था, उनके विधायिका जो है वो कहती है कि ये जो आपने कहा कि ट्रकों की लाइन लगी हुई है चोरी की, और जो है सो चोरी हो रहा है, और रोज ये लोग कहते हैं जांच करेंगे। आपने बिना एफआईआर की जांच होता है क्या? पहले एफआईआर तो कराइए ना। आप इतने दिनों से आरडीएस का और किसका किसका धान घोटाले का दिखा रहे, एफआईआर हुआ है क्या? जांच होगी? बिना एफआईआर का जांच होती है क्या? जब ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस महकमा पैसा लेकर के जाएंगे, पोस्टिंग होगा उनका, तो वो जाकर के कोयला चोरी नहीं करवाएंगे तो क्या करेंगे? आखिर पैसे निकालेंगे कहां से? सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोयला चोरी का छूट मचा हुआ है। और अभी इस बात हो रही है कोयला चोरी की, और नेता जेएमएम के नेता कह रहे हैं महामंत्री की हमारा बकाया है, बकाया है इसीलिए चोरी हो रहा है क्या? चोरी करवा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि केंद्र सरकार की जो जो जमीन ले रही है यहाँ के लोगों का, उस जमीन को सीओ जो है प्रमाणित नहीं कर रहा है, ये जमीन मालिक का, जिसके कारण से मुआवजा रुका हुआ है। बीसीसीएल सीसीएल का जो कोल इंडिया का यहाँ कर रही है, तो का गलती सरकार की है, दोष जो है कोल इंडिया पर। पूरा राज्य में कोयला लोहा लुटवाने में लोग लगे हुए हैं और कहते हैं जांच होगा, पीछे से होते आ रहा है, नेक्सस है। अरे नेक्सस है तो उसको खत्म करिए ना, दो साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार कर क्या रही है? डॉक्टर तौसीफ नेक्सस है, नेक्सस है तो खत्म करिए ना। डॉक्टर एम तौसीफ जवाब दे रहा हूँ, वो चुप हो जाए तब तो ना, वो चुप हो गए, उनके बीच में बोलता हूँ तो नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि पहले वो चुप हो जाए उसके बाद ही शुरू करूँ। देखिए बात सही है कि कोयले पे आप डिबेट करा रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल कोयले पे ही बात की जाए, उन तमाम चीजों पे बात होनी चाहिए जो इन्होंने अभी खुद भी किया है, खुद भी किया है। जैसे इन्होंने सीओ और जमीन की बात की है, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए, अब जब बोलेंगे तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि रघुवर दास की सरकार में डीजीपी पांडे जी को जो जमीन अलॉट की गई थी, वो कौन लोग थे और किनके इशारे पे वो हुई थी? ये कंबल जो घोटाला हुआ था, और कंबल घोटाले की जो चेयरपर्सन थी, वो किनकी चहेती थी और कहां गई, जो आज तक पता नहीं चला। ये तो बात तो निकलेगी ना, बात तो होगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं ये बात कि अगर कोयले की चोरी हो रही है, अगर इस तरह का घोटाला हो रहा है, तो सरकार के संज्ञान में आ गई है बात न्यूज 11 के माध्यम से। सरकार जो है अपने प्रशासन के माध्यम से काम करेगी, और इस ये तो जांच का विषय है ना, हम तो जज बन नहीं जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के मित्र जज नहीं बनेंगे कि फैसला सुना देंगे कि ये चोर है वो बदमाश है। ठीक है, आपने आरोप लगाया है, इस पे कमेटी बैठे, इस पे जांच हो, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल सही जांच हो, और जो जो इसमें शामिल हैं उन पे जो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई बिल्कुल सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हो। और ये सरकार बैठी हुई नहीं है, ये सारी चीजों को देख रही है। नेक्सस की तो बात होगी, इतना बड़ा कोर है ये कि पिछले 16-17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इसको पाला है, और उसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए थोड़ा सा समय तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो टूट जाएगा। इस सरकार में कुछ भी बचेगा नहीं, जितने भी चाहे वो जितने भी घोटालेबाज हो, चाहे वो ये मोमेंटम झारखंड का घोटाला हो, या कंबल का घोटाला हो, या स्किल डेवलपमेंट का घोटाला हो, या फिर ODF का घोटाला हो, सभी की जांच होगी, और सभी की जांच निष्पक्ष होगी। सुनल भाई एक बात बताइए, घबराने की जरूरत नहीं, पर्यावरण वगैरह से आप तो जुड़े हुए शख्स हैं, सारी चीजों को आप देखते हैं। कोयले को लेकर के सबसे बड़ी चीज है, आखिर क्या कारण है? मतलब देखिए, सबकी पावर लिमिटेड है, राज्य सरकार की पावर लिमिटेड है कोयले को लेकर के, ये तो हम भी जानते हैं। बंद पड़ी जो माइन से उससे भी खनन होता है, चालू पड़ी माइन से उससे भी अवैध खनन होता है, ठीक है। और आप देखिएगा, आप झारखंड में कहीं भी जाए, आप रांची से धनबाद जाइए, आपको रास्ते भर कोयले के ट्रक्स मिलेंगे, उसमें से 90% अवैध रहते हैं। आप रांची से आप किधर भी चले जाइए ना, आप लोहरदगा चले जाइए, आपको उधर भी कोयले के ट्रक मिलेंगे, लातेहार जाइए आपको उधर भी कोयले के ट्रक्स मिलेंगे।
क्या कारण है कि ये जो कोयले का खेल चलता, मैं तो देखिए एड्रेस बता रहा हूँ, बकायदा सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ, ग्राफिक्स देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, बकायदा नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन कोयले की तस्करी करता, लेकिन मुझे पता है कि इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जांच नाम का ये जो जिन्न है ना, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तब तक सब अपना अपना बुरी बिस्तरा समेट लेते हैं। सरकार किसी की रहे कुछ भी रहे, सबकी अपनी अपनी पावर्स लिमिटेड हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कहाँ कहाँ पर कमजोरी है सोनल? अब देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए कि जो कोयला है, कोयला का डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, वो एक भारत सरकार का अंग है। झारखंड सरकार में कोई कोयला डिपार्टमेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो जो भी चीज करना है भारत सरकार को करना है, और जब हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर रेड कराना है या FIR लॉन्च कराना है, तो भारत सरकार थोड़ी FIR लॉन्च कराएगी, ये तो वहां पे फिर झारखंड सरकार की दावत आती है कि झारखंड सरकार में जो वो लोकल थाना है जहां पे उनको पता है कि ऐसा इलीगल माइनिंग चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, उस पे झारखंड सरकार को इंक्वायरी करना है। तो हम इस पे एक बाद में डिटेल बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया कि हम कैसे इलीगल माइनिंग और इलीगल थेफ्ट जो हो रहा है माइनिंग को लेके, उसको कैसे रोकेंगे। और आपको हम एक शॉकिंग डाटा भी देंगे कि 2014-15 में करीब 15 केस बस हुआ था कोयला, इलीगल कोयला माइनिंग को लेके, ऐसे ही 2016-17 में 30। ये हम डाटा जो बता रहे हैं ये लोकसभा में आंसर हुआ है, ये मेरा कोई डाटा नहीं है। वो बताते हैं कि ऐसा करीब कितना कितना FIR हुआ है। ये सीधा सीधी दर्शाता है कि जब आप पूरे झारखंड में, जब हम बोल रहे हैं कि करीब 30 ही FIR हुआ है, इसका मतलब है कि प्रशासन शांत है, प्रशासन को कुछ करना नहीं है। अगर प्रशासन थोड़ा सा सतर्क हो जाए तो प्रशासन जरूर FIR कराएगी, सबको पता है कैसे हो रहा है। और वो गाइडलाइन के बारे में आने से पहले, हम 4-5 दिन पहले जो घटना हुआ है चंदन क्यारी में, हमको लगता है अगर हम लोग वो समझ जाए तो हमको लगता है कि हम लोग इलीगल माइनिंग के बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानकारी रख पाएंगे। उसमें क्या हुआ कि 4 लोग चंदन क्यारी ब्लॉक के माइनिंग करने के लिए एक जगह पे घुसे जो अबंडेंट था, अबंडेंट मतलब है जो बंद हो चुका है। और कोयला मंत्रालय का एक माइन क्लोजर प्लान है, ठीक है, माइन क्लोजर रूल है कि अगर मान लीजिए जब हम माइनिंग खत्म कर देते हैं तो उस माइन को हम कैसे बंद करेंगे, या रिक्लेमेशन प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका है। जब आप EC लेते हैं ना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं, तो आपको यह भी बताना है कि भैया हम जब 20 साल के बाद 32 साल के बाद इसको बंद करेंगे तो ये पूरा प्रक्रिया हमारा होगा। एक भी माइन कंपनी ये प्रक्रिया नहीं फॉलो किया। वो 4 लोग माइंस में घुसे, जमीन धस गई, चारों लोग 3 दिन के बाद निकले। NDRF की टीम मंडे को पहुंचने की बात हुई थी कि NDRF की टीम मंडे को पहुंचेगी, और ये 3 लोग अपने मेहनत से 3 दिन के बाद घर के बाहर आते हैं, और जब अपने गांव जाते हैं सुबह को 4 बजे, तो गांव में लोग बोलते हैं कि अरे भूत आ गया। सोच लीजिए, गांव के लोगों को लगा, क्योंकि हम लोग तो क्रियाकर्म कर दिए हैं, हम लोगों को तो पता था कि लोग मर गया है। तो अब बताइए कि जब BCCL और बाकी कंपनियों से जवाब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये तो हमारी गलती नहीं है, ये लोग घुस के पार हो गया। अरे गलती आपकी कैसे नहीं है, आपने माइन क्लोजर प्लान पे क्या किया? आप क्यों नहीं फेंसिंग करते हैं पूरा बाउंड्री का कि भैया ये अबंडेंट हो गया है, हम इसको बंद करेंगे, कॉन्क्रीट वॉल लगाना है। प्रॉब्लम ये है कि कानून में बहुत चीज लिख दिया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉल का आप गाइडलाइंस पढ़िएगा, लेकिन फॉलो कोई नहीं करते, फॉलो नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मोहन जी क्या ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि राज्य सरकार की जो हस्तक्षेप है कोयले के क्षेत्र में वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है, मतलब बहुत बहुत हद तक राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए इस क्षेत्र में, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है क्या? देखिए, हम तो सीधी तौर पर बोलेंगे कि राज्य सरकार इसमें अगर देखा जाए तो बहुत कम पावर राज्य सरकार का है। मान लीजिए जहां से गलत माइनिंग हो रहा, जहां से ये कोयला निकाल रहा, ये सारा केंद्र के अधीन है। अगर वही सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया जाए, वही से अगर कोयला आपका गलत माइनिंग वहां पर ना हो और वहां से कोई गाड़ी में लोड होकर के कोयला ना निकले, तो रोड में आपको दिखाई नहीं देगा और दूसरे जगह ये कोयला पहुंचेगा भी नहीं। अगर वहां सारा केंद्र का वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, केंद्र के अधीन है, और केंद्र को वहीं पर अगर रोक लगा दे तो हमको लगता कि यह कोयला चोरी कहीं से नहीं होगा। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए और राज्य सरकार को ये दोषी ठहराना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम तो कहेंगे कि सबसे पहले हो जहां से गलत माइनिंग हो रहा, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, जहां से भी माइनिंग होकर के कोयला निकल रहा गलत तरीका से, सबसे पहले वहां से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करे, वहां रोके, उसके बाद जो रोड में निकलेगी तो उस पर सरकार देखेगी और देख रही है। जिन लोगों का भी नाम आ रहा है ये आपके माध्यम से, निश्चित तौर पर उस सभी लोगों पर कार्रवाई होगा। ये गवर्नमेंट चुपचाप बैठने वाली नहीं है।
आप देखे होंगे कि पिछले सरकार में भी जिस जिस चीज का घोटाला हुआ है, ये जिस विभाग में अगर जांच किया जाए तो हमको लगता है हर विभाग में इस तरह का कुछ ना कुछ त्रुटि आएगा। लेकिन हमारा गवर्नमेंट आस्ते आस्ते करके सभी चीजों को देख रही है और उस पर कार्रवाई भी करते हुए आगे बढ़ रही है। और ये कोयला का मामला है, इसमें भी कोई आदमी बचेगा नहीं। जो भी लोग हो, चाहे अफसर हो, ठेकेदार हो, कोई लीडर हो, कोई भी हो, जो लोग भी इसमें गलत माइनिंग में या गलत तरीका के लोडिंग करके जो ले जा रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर भी एक समय सीमा के भीतर कार्रवाई होगा, ये हमको पूरा विश्वास है। चलिए सरोज जी, सारी बातें आपने सुन ली, अब सरोज जी क्या कह रहे हैं? देखिए, कई बातें आई हैं, संक्षेप में एक दो बातों का मैं जवाब दे दूं। आप देखिए, ये कांग्रेस के मित्र भ्रष्टाचार गिना रहे थे मधु कोड़ा को सामने करके, और जो ये लोग मधु पिए हैं, कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग, और सारे लोग जेल के चक्कर काट रहे हैं, सारे विधायक और जो उस समय के लोग हैं, सबको भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जेल के चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में ये लोग सब फिर जेल के चक्कर काटेंगे, आप चिंता मत करिए, जब सरकार बनेगी। और ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ है तो इनकी सरकार है, और 9 से लेकर 14 के बीच में भी इनकी सरकार बनी है जेएमएम की, कांग्रेस की। तो किस भाजपा के नेता को भ्रष्टाचार में इन लोगों ने बंद किया है? किसको किसने रोका है? क्या आज भी 2 साल इनके सरकार को हो गए, रोका है? केवल खड़ा होकर कंबल घोटाला, फल्ला घोटाला, फल्ला घोटाला गिनाने से नहीं होगा। और जब ये सरकार जाएगी तो इसके बाद ये सब फिर जेल जाएंगे, इसलिए कि और ये कहा बात हो रहा है, FIR तक नहीं कर पा रहे हैं, चोरी हो रहा है कोयले का, और ये लोग कह रहे हैं कि ये गाय नहीं है तो भैंस है। एजी ने खुलासा किया था, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, एजी ने कंबल घोटाला का खुलासा किया। मोहन जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तौसीफ और बहुत शुक्रिया सोनल तिवारी जी, चलिए बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का तकाजा ये कहता है कि फिलहाल हमें विराम लेना पड़ेगा, हम अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आप लोगों ने भैया इस डिबेट में हिस्सा लिया, इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमने तो एड्रेस बता दिया, नाम बता दिया, कार्रवाई अब आप लोगों को करनी है। चलिए यहां पर एक छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।